Welcome friends, once again we were learning the topic light reflection and refraction. Last lecture we have discussed about the image formation by concave mirror. Now we will discuss the image formation by convex mirror. So convex mirror ke liye image formation kaise hota hai, to hum dekh lete hain. Case 1, to pehle likhte hain image formation by convex mirror. तो image formation के लिए अपन को वही वैसा ही case consider करना पड़ेगा. तो case 1, object at infinity. तो case 1 क्या है आपका, object at infinity. फिर से हम निकालते हैं, यहाँ पे खाली आपको convex mirror करना पड़ेगा. तो ऐसे निकालना पड़ेगा वो उसको, और जो कुछ है आपका इधर दिखाना पड़ेगा. सपोज ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा फोकस है, ये आपका पोल है. तो ऑब्जेक्ट इफ इट इज एट इन्फिनिटी तो क्या बन जाएगा, द रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट वो कैसे बन जाएगा बेटा, रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट वो बन जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और ये इस केस में अपना रिफ्लेक्टेड रे कैसे बन जाएगा, दे विल appear to come from focus. इस केस में ये अपना रेज ऐसे दिखेगा, they will appear to come from focus. तो ये बन गया मेरा reflected ray. तो ये incident ray, reflected ray. तो यहाँ पे तो image formation possible ही नहीं है ना, it is not possible to make image formation. ऐसे जाएंगे बेटा कहाँ पे मिलेंगे, तो कहाँ पे मिल रहे हैं एक्चुअली, तो माय इमेज विल बी यहाँ पे, ये बन जाएगा. फिर से इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे ही बन जाएगा, लेकिन वो अभी राइट साइड पे मिल रहा है, मतलब वो वर्चुअल है. तो ऑब्जेक्ट पोजीशन नंबर 1 एट इन्फिनिटी, इमेज पोजीशन एट एफ. नेचर कैसा है, नेचर लेते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज कैसा, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड. सॉरी, बन गया बेटा. तो पहला केस आपका बन गया. अगर ऑब्जेक्ट इज, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, योर इमेज विल बी एट F. How the image will be there? Image will be virtual and erect. Next, image will be highly diminished or point sized. तो आगे आप इसको नोट डाउन करो, इसके बाद में हम आगे वाली पोजिशन को जाते हैं. सेकेंड केस है आपका, दो ही केस में इसमें अलग अलग ज़्यादा केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका सब फोकस पोल वगैरह उधर रहता है, तो वो ऐसे दिखाने का कुछ इसमें ज़रूरत नहीं रहता. तो ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, तो इन्फिनिटी और पी के बीच में एनीवेयर अगर आपका ऑब्जेक्ट बिलोंग कर रहा है, then what will happen, let us see. So first of all इसको ये बना के लेते हैं, और ये मेरा मिरर बना के लेते हैं. यहाँ पे क्या बन गया, सपोज यहाँ पे बन गया आपका C, यहाँ पे बन गया आपका F. तो ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे बन गया, तो पहले वाला ऑब्जेक्ट कहाँ बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा. थोड़ा मैं जो दिखा रहा हूँ और आपके बुक में, सपोज कहीं पे भी तो थोड़ा चेंज हो सकता है डायग्राम में, लेकिन ये डायग्राम गलत नहीं है, दोनों भी तरीके से डायग्राम निकलते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मोस्टली वॉट एवर आई एम शोइंग द सेम विल बी इन योर बुक. कहीं कहीं किन किन बुक में थोड़ा सा अलग देते हैं, तो उसके लिए देर इज़ नो प्रॉब्लम टू टेक एनी टेंशन. ओके, डोंट टेक टेंशन. तो पहले कैसे बन जाएगा, पहले वाला कैसे बन जाएगा, अगर ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है
अपना रूल क्या बोलता है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। तो इसको जोड़ देते हैं, हमें ऐसे लगेगा कि वो फोकस से ही आया है, तो ये पहला आपका रिफ्लेक्टेड रे जाएगा। और दूसरा वाला ऐसे दिखाओ इसको, ऐसे कुछ नहीं, कुछ कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं कि इट इज अपीयरिंग टू कम फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ऐसे भी दिखाते हैं उसको, ऐसे इसको जोड़ देते हैं यहाँ से यहाँ तक और इसके बीच में इसको डॉट बनाते और जहाँ पे वो मीट कर दे उसको बनाते अपना इमेज। तो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं, वैसा ही बनाने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ ये ले लो आप इंसिडेंट रे, तो ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे अगर बन गया तो मेरा रे कहाँ से आ रहा है ऐसा दिखेगा, ऐसे, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सो ये बन जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा इसका इमेज। तो कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, इमेज कैसे रहेगा बिटवीन, इसको पोल बनाते पी, बिटवीन पी एंड एफ, एनीवेयर बिटवीन पी एंड एफ, ऐसे नॉट पॉसिबल, नॉट रेगुलरली, नॉट नेसेसरली ऑलवेज, ओके। इसको कर देते हैं, इसको बिहाइंड मिरर इतना ही लिख देते हैं, क्या लिखते हैं बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। नेचर कैसा हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज कैसे रहेगा डिमिनिश्ड। सो इन दिस वे बेटा वी हैव कंसिडर्ड द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इस डायग्राम को भी नोट डाउन करके लीजिए। Now we'll see for another thing, that is the uses of convex and concave mirror. तो पहले use सीख के लेते हैं uses of concave mirror. तो हमने सीखा है कि कॉन्केव मिरर में आपका जो इमेज फॉर्मेशन है, द इमेज फॉर्मेशन, इमेज इन द कॉन्केव मिरर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे दिखते हैं, हाँ, हाउ यू आर गेटिंग द इमेज कॉन्केव मिरर में। तो कॉन्केव मिरर में हमने देखा था इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए हाईली डिमिनिश मिलती है, लेकिन अगर उसको नज़दीक नज़दीक ले आओ और फोकस और पोल के बीच में अगर उसको देखो, मतलब आपका जो कॉन्केव मिरर है उसके फोकस और पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो, देन यू आर गेटिंग हाईली मैग्नीफाइड इमेज। तो कॉन्केव मिरर का यूज वैसे ही डेंटिस्ट यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर ऑब्जर्विंग टूथ, टूथ स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑब्जर्व करने के लिए मुंह में, उनको डायरेक्टली आप मुंह खोलोगे तो दिखेगा नहीं क्या है, कैरीज वगैरह दांत में देखते ना, कचरा वगैरह है, कैरीज बोलते उसको, हाँ मराठी त्याला किडलेला दांत म्हणतात, दांत किडलेला असतो ना, लाइक दैट। सो कैरीज इन द टीथ इफ दे वॉन्ट टू फाइंड आउट, देन ऐसे वाला एक उनके पास हथियार होता है, हथियार नहीं बोलते इसको, हथियार कैसे बोलेंगे, किसी को मारने के लिए यूज नहीं करते हो, देखने के लिए ऐसा एक इक्विपमेंट होता है, ऐसा इसको हैंडल होता है हाथ रखने के लिए, ये आपके मुंह में डालते हैं, यहाँ से यहाँ पे वो मिरर होता है, वो मिरर दिखेंगे, वो कैसे होता है कॉन्केव मिरर होता है आपका कॉन्केव मिरर, और वो यहाँ पे अगर दांत दिखाई दिया तो वो दांत बड़ा वाला उसका व्यू उसमें दिखता है। तो फर्स्ट यूज क्या होता है, द कॉन्केव मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। Used for
शेविंग मिरर्स, शेव करते ना बेटा, शेव करने के लिए क्या होता है, शेव कर, आपके पापा भी शेव करते होंगे घर में, तो शेव करते समय सामने देख के आपका शेविंग वगैरह करेंगे। लेकिन अभी शेविंग करते समय कोई प्रॉब्लम आए, ठीक से ना दिखे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना बेटा, अगर ठीक से ना दिखे उसमें तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अगर आपने इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लेन मिरर, इंस्टेड ऑफ आप अगर आपके पापा यूज नहीं कर रहे होगे, हाँ मैं भी घर में शेविंग के लिए प्लेन ही मिरर यूज करता हूँ, लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लेन मिरर अगर आप कॉनकेव मिरर यूज कर सकते हो तो आपकी शेविंग में बेटर, मतलब वो प्लेन शेव हो जाते हैं, मतलब बड़ा वाला एरिया, मतलब छोटा एरिया बड़ा करके दिखते हैं। तो प्लेन आपको अगर एकदम लाइन में उसको काटना है, मूछ वगैरह ठीक से करना है, ये सब चीज़ के लिए आपको, मतलब आपको नहीं है, आपके पापा के लिए बोल रहा हूँ, उनको अगर वो करना है तो आप सजेस्ट करो उनको इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लेन मिरर एक्चुअली वी हैव टू यूज कॉनकेव मिरर। तो शेविंग के लिए जो मिरर यूज करते हैं वो होते हैं कॉनकेव, ये अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। अभी एक्चुअल और उसके यूज कहाँ है, तो ये हो गया कौन सा केस का यूज, बिटवीन एफ एंड पी। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका एफ एंड पी में है, मतलब अगर उनको नजदीक लेके, अगर उसको दूर लेके उसका यूज करना है फिर भी यूज करना है वो तो भी होता है, तो कब होता है, तो नंबर थ्री, इन द रिफ्लेक्टर्स ऑफ हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। तो व्हीकल का हेडलाइट कैसे दिखता है बेटा, मैं उसका एक ट्राई करता हूं निकालने के लिए। ऐसे आपका हेडलाइट का स्ट्रक्चर होता है, इसमें वो बैठता है। तो यहां पे वो क्या करते हैं, एक कॉनकेव मिरर प्लेस करते हैं। तो क्या होता है, यहां पे उनका बल्ब रहता है, दो बल्ब रहते हैं अपर डीपर, उसमें से एक बल्ब आपको निकाल के दिखाता हूं। तो भी क्या हो जाएगा, ये बल्ब जो है ये क्या करेगा, पूरा लाइट डालेगा कहीं पे भी। और ये बल्ब होता है एग्जैक्टली इसका जो फोकल लेंथ है, तो एग्जैक्टली एट F डालते हैं उसको। तो अगर बल्ब एट F है, आप अपनी कार में देख लो, हाँ ऑफ कोर्स अभी वो मारुति वगैरह कार है उनमें परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होते, तो उसके हिसाब से उसका जो फोकस है उस फोकस पे डालते हैं। हाँ डिस्क्लेमर, ये मैं बोल रहा हूँ, ये आइडियली बोल रहा हूँ, एक्चुअली हर एक कार का हेडलाइट का स्ट्रक्चर अलग होता है, वो रेक्टेंगुलर भी होता है, इनसाइड उसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो जो कौन सा भी उनका फोकस आएगा। नहीं तो कोई कोई बच्चे मेरे को पूछे सर, मैं मतलब क्यूरियसिटी से पूछेंगे, आई एम नॉट एंग्री ऑन देम, आई एम नेवर एंग्री, ओके, तो वो पूछेंगे मेरे को, नहीं तो सर हमारी कार का तो ऐसे दिखता है, उसका अपना अपना उस तरीके से वो फोकस बनता है, उस फोकस पे वो परफेक्टली एडजस्ट करते हैं। क्यों एडजस्ट करते हैं, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ऐसा एक आपको बीम मिलता है, ये तो है, और भी रे जाएंगे ना, ये रे आएगा, ये भी रे आएगा ना, सब रे आएंगे, वो आपको एक बीम की तरह मिलेगा। सो यू विल गेट अ परफेक्ट बीम। अगर बीम मिल जाए तो ही आप रास्ते पे एडजस्ट कर सकते हैं। सो देन देन एंड देन ओनली द ड्राइवर विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट टूवर्ड्स द रोड, उसको रोड क्लियर दिखेगा, अगर ये नहीं है तो उसको रोड क्लियर नहीं दिखेगा। आप भी ट्राई कर सकते हो, ये सेम चीज आपके टॉर्च में भी यूज होता है। टॉर्च जो है एवरेडी का, हाँ वो स्टील वाला मिलता है ना, स्टील के ऐसे ऐसे होता है, आपको मालूम, शायद मालूम होगा, आपके पापा के पास होगा, हाँ ऐसे बड़ा वाला, इधर छोटा वाला एक बटन रहता है, याद आया आपके बेटा, याद आया तो कमेंट करो, है ना बेटा, अगर याद आया तो ऐसी वाली टॉर्च में क्या होता है, अंदर आपको ऐसा एक दिखेगा, मैं निकाल के भी दिखाता हूँ, ऐसे वाला आपको एक मिलेगा, इसको यहाँ पे बल्ब बल्ब के लिए जगह होता है, गेटिंग इट, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे बल्ब आता है और यहाँ पे
वो अंदर से वो रिफ्लेक्टिव होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, अंदर से रिफ्लेक्टिंग होता है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो आपका बल्ब है, ओके, ये जो आपका बल्ब है और यहाँ पे एक लेंस होता है, तो लेंस का यूज बाद में देखेंगे। तो मोस्टली ये मिरर का यूज क्यों होता है, यहाँ पे जो रेज पड़ने वाले हैं कहीं पे भी, तो ये ऐसे जाएंगे, ये कौन सा भी रेज ऐसे गए तो ऐसे जाएंगे, तो मोस्टली टू एडजस्ट द फोकस। बट इसमें मिरर से ज़्यादा किसका रोल होता है, लेंस का रोल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अभी अपने व्हीकल्स में, व्हीकल्स ऑफ द हेडलैम्प्स, हेडलाइट्स और हेडलैम्प्स ऑफ द व्हीकल्स उसमें भी आता है। तीसरा चौथा यूज आपका आता है सोलर में, इन सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स में आप बोलोगे कैसा होता है, सोलर पैनल में होता है तो क्या करते हैं, सोलर पैनल्स मतलब सोलर सोलर सिस्टम बोलते हैं उसको। आई विल गिव यू द एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ऑफ द सोलर सिस्टम इन शिरडी। यू आर नोइंग दैट देयर इज अ मंदिर ऑफ साई बाबा इन शिरडी। तो मंदिर का जो भंडारा लगा थे दोपहर को रात में प्रसाद मिलता है जो, वो पूरा के पूरा आपको सोलर पे देखेगा। तो ये देखने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा नेशनल जियोग्राफी चैनल है और हर एक बंदे ने ये देखना पड़ेगा। नेशनल जियोग्राफी चैनल पे ये शिरडी का, ये इसको कुछ नाम मालूम नहीं है लेकिन यूट्यूब पे आप डाल के रखो शिरडी किचन, मेगा किचन, इसका एपिसोड कौन सा होता है, मेगा किचन। तो यहाँ पे वो भक्त भाविक वगैरह वो ज्यादा वो देखने का जरूरत नहीं, लेकिन वो मेगा किचन कैसे चलता है ये अपन को इम्पोर्टेंट। मैं तो बेटा ऐसे मेगा किचन मैंने हाउ मेनी ऑफ मेगा किचन आई हैव सीन, आई थिंक मोर देन 10 मेगा किचन मैंने देखा है सब, मतलब दरगाह का भी होता है, मस्जिद का भी होता है, मतलब ये अपने मंदिर का भी होता है, कौन कौन से गुरुद्वारा का भी होता है, उन सब का। लेकिन वहाँ पे हमको क्या देखना है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी कौन सा यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये सोलर का सिस्टम का टेक्नोलॉजी तो कैसे बनाते दिखाता हूँ, तो बाद में आप उस वीडियो में देखोगे तो आपको समझ जाएगा। नाम क्या है, मेगा किचन, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। तो वहाँ पे कैसा है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत के ऊपर, ये मेरा बिल्डिंग है पूरा, हाँ, ये बिल्डिंग की छत के ऊपर वो क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने बड़ा वाला एक ऐसा कॉन्केव मिरर लगाया। तो भी क्या आएगा, सनलाइट अगर आया, सनलाइट पैरेलल, तो पैरेलल सनलाइट कैसे हो जाएगा, ये फोकस पे आ जाएगा। तो मतलब ये पूरा सनलाइट कहाँ पे फोकस करेगा, एक जगह पे फोकस करेगा। तो ये अगर मेरा वो डिश एंटीना होता है ना, वैसे होता है वो, अगर ये मेरा पूरा यहाँ पे पूरा वो ये है आपका कॉन्केव मिरर, तो इसके आगे एक पॉइंट पे वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ये पॉइंट है, यहाँ से उनके पानी के पाइप जाते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, जो पानी बहता रहता है बहते रहते भी, और उस पॉइंट को उन्होंने दिखाया, आपने एक लकड़ी का बड़ा वाला टुकड़ा ले लो और उधर डाल दो, विद इन अ सेकेंड वो जलना चालू हो जाए। तो मतलब इतना बड़ा होता है वो, इतना बड़ा होने के कारण क्या होता है, ऑल द सनलाइट, ऑल द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट इज गैदर्ड टूवर्ड्स दैट पॉइंट। वो गैदर करने से क्या होता है, वहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जाता है। तो सोलर सिस्टम में भी आपका कॉन्केव मिरर यूज होता है। तो अभी हम देखने जाएंगे इसके बाद में यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सो लास्ट पॉइंट इज यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। Now we will start making uses of convex mirrors. तो ज़्यादा use नहीं बताऊँगा मैं, एक ही अभी आपको बताऊँगा, बाकी के आप uses है वो book में देख के उसको पढ़िए, उसका ज़्यादा explain करने का ज़रूरत नहीं, एक या दो जो मुझे मेरे को अभी explain करना ज़रूरी लगता है वो आपके uses मैं explain करूँगा। पहले वाला use है कौन सा हो जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हर टाइम
वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दिखाता है, वो कभी भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दिखाता नहीं। तो शेविंग मिरर के लिए भी कॉनकेव, कौन सा केस लिया था मैंने, लास्ट वाला, बिटवीन फोल फोकस एंड पोल, क्यों लिया था, शेविंग करने के लिए। अगर उल्टा दिखा आपको तो गलत हो जाएगा ना, शेविंग का प्रॉब्लम आ जाएगा बेटा। हाँ, तो शेविंग करने के लिए वो जो दिख रहा है वो उल्टा इमेज नहीं दिखना चाहिए, सीधा दिखना चाहिए। तो सीधा दिखने के लिए वो अगर आपने टेबल निकाल के लिया और उसमें देखा तो आपको लास्ट केस मिल जाएगा, उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट है और वो मैग्नीफाइड भी है, इसलिए उसका यूज किया। तो वैसे ही अगर आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही देखना है, और वो कैसे होना चाहिए, छोटा वाला। छोटा वाला क्यों होना चाहिए, इन ऑर्डर टू कवर द लार्जर एरिया। तो इट इज यूज्ड इन इन द रियर व्यू मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स। इसको यूज कैसे करते हैं, एज अ रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर्स ऑफ द व्हीकल्स। तो क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, मेरा ये गाड़ी है, गाड़ी के पीछे क्या क्या है वो आपको दिखना चाहिए। तो इसीलिए आपका जो मिरर होता है उस पर क्या लिखा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर। आप देखो, आपकी अगर गाड़ी है, टू व्हीलर है, तो उसके लिखा लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो मतलब आपका जो मिरर का ऑब्जेक्ट है वो जितना दिखता है उतना लंबा नहीं है, थोड़ा सा उससे ज्यादा क्लोज है, क्योंकि मैंने दिखा था वो डायग्राम बना के, वो थोड़ा सा बल्ज होता है, ऐसा बल्ज होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको यू आर एक्वायरिंग मोर एरिया, सो इट कवर्स मोर एरिया एंड ग्रेटर डिस्टेंसेस। तो इन दिस वे वी कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर इन अवर डे टू डे लाइफ। सो बेटा, आई विल सजेस्ट यू, इफ यू आर नॉट स्टिल कन्विंस्ड विद दिस ऑल, देन अगेन एंड अगेन यू वॉच द वीडियोज, सो दैट यू विल हैव द बेटर आइडिया हाउ दिस हैपन्स। तो और अगर आपको कुछ दिक्कत है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, फॉर एनी डाउट यू मे कॉल मी एनी टाइम और यू मे व्हाट्सएप मी एनी टाइम। अभी गूगल मीट भी है, जो कुछ तरीका है उस तरीके से आप मेरे से जस्ट आस्क योर डाउट्स, आई विल बी देयर टू सॉल्व योर डाउट्स। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें शांति से अपना पढ़ाई करो, वी ऑल आर देयर विथ यू, डोंट वरी। जैसा आप घर में रह रहे हो वैसे ही हम घर में रह रहे हैं, घर से बैठ के आपका पूरा काम हम करके दे रहे हैं। सो वी आर ऑल्सो डूइंग अवर वर्क, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू ऑल्सो डू योर वर्क नाइसली। किसी को बोलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ने का, आराम से अपना पढ़ाई करने का, ठीक से अगर कुछ डाउट आता है तो डाउट सर को पूछ लेने का, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, and in the PS we will try to solve some problems. Thanks a lot. Thank you.